please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा, बन रही इमारत गिरी और इस इमारत में से 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। इसमें से 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। 5 मंजिला इमारत गिरी, जहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एक बच्चे को निकाला गया, इसके अलावा 8 और लोगों को वहां से निकाला गया है। एक एक करके एनडीआरएफ की टीम जितने भी लोग अंदर दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए, जल्दी से जल्दी अगर किसी जान को बचाया जा सकता है तो तुरंत सबसे पहले उसी को बाहर निकाला जाए। कई और लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन सवाल तमाम इसमें खड़े होते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जमीन गांव की थी, क्या इसमें नक्शा पास हुआ था या नहीं, और अगर नहीं हुआ था तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? कौन बिल्डर था जो कि इस इमारत को बनवा रहा था? अवैध रूप से इमारत बन रही थी, जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि अवैध रूप से, अवैध तरीके से इस इमारत को बनाया जा रहा था। घटिया मटेरियल, हमारे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त वहीं मौजूद हैं, दिखा रहे हैं कि इसके बाद किस तरीके से भ्रष्टाचार का एक नमूना नजर आ रहा है, क्योंकि घटिया और गंदा मटेरियल यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बिल्डिंग बनाने के लायक तक नहीं था। मौके का मुआयना किया, अभी क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पे 5 लोगों को निकाला गया है और हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके अलावा रिलीफ ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम है, एम्बुलेंसेज हमारे साथ हैं, तो अगर कोई और पाए जाते हैं तो उनको तत्काल रिलीफ में मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। मलबे में और लोग हो सकते हैं? हो सकते हैं। कितने, कुछ संख्या? ये अभी हमारे कुछ मलबे हैं। कंस्ट्रक्शन की बात बताई जा रही है कि इलीगल बन रहा था, ये अभी जांच में क्लियर हो पाएगा कि कौन बना रहा था, किसकी लापरवाही है, और जिसकी भी लापरवाही है उस पर कठोर कार्रवाई। कमेटी आपने बनाई, कुछ रिपोर्ट्स मंगाई आप लोगों ने? इसमें अभी कमेटी हम गठित करेंगे, अभी तो जस्ट घटना हुई है 1 घंटे पहले, अभी कमेटी का आदेश हो जाएगा, उसके बाद जाँच करेंगे। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, ये कब से बन रही थी इमारत? 1.5-2 साल हो गया है। 1.5-2 साल हो गया है। क्या बन रहा था यहाँ पे? 5 मंजिल बिल्डिंग बनी है, फ्लोर मतलब रेंट के लिए, मतलब बेचने के लिए बना रहे थे, जो मतलब परचेज करना था इन्हें, जितनी सब कम से कम लागत में बनेगा उतना ही अच्छा इनका प्रॉफिट होगा, इसी वजह से प्रॉफिट के चक्कर में गिरी है। तो क्या आपको लगता है कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं था इसका? हाँ जी, जब ही तो गिरी है सर ये। कंस्ट्रक्शन में क्या आप गड़बड़ी लग रही है आपको? गड़बड़ी है यार, जो है बिल्कुल सारा का सारा सामान, सरिया सीमेंट कोई भी अच्छा नहीं है जो है। ये जमीन पे क्या इस तरह का निर्माण किया जा सकता है? हाँ, जमीन पे ये था जो है वो डाला था लेंटर, उसके ऊपर से जो बनाना स्टार्ट करा था। ये अवैध बिल्डिंग थी? वैध बिल्डिंग नहीं, अवैध है ये बिल्डिंग। अवैध? हाँ जी। कौन बना रहा था इसको? ये तो सर जो वही है, यहाँ के जो डीलर है, कुछ डीलर है, उनका नाम हम नहीं जानते, बाहर के डीलर है जो अपना मतलब यहाँ पर आकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। कॉलोनी की जगह है, यहाँ पर बिल्डिंग है, इतनी लंबी लंबी थोड़ी बननी चाहिए, 5-5, 10-10 फ्लोर बना रहे हैं ये अभी अभी इधर सारा। ये जीडीए से जो है 3 मंजिल पास है, 2 मंजिल पास है, तो ये 5-5, 6-6 मंजिल जो है क्यों बना रहे हैं ये? कितने बजे का ये हादसा है? 12 बजे जो सर, 12 बजे का है, करीब 12 बजे का। उस टाइम 4 बंदे निकाल भी लिए थे सुरक्षित पब्लिक ने, पुलिस तो 2-3 घंटे बाद आई है यहाँ, उससे पहले पब्लिक जो मतलब आसपास के लोग भाग थे उन्होंने ईंट वगैरह हटाई और 2-3 बच्चे आदमी को बिल्कुल शिवालिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और कितने लोग हो सकते हैं अभी? 20-25 लोग भाग होने की संभावना है, जो बता रहे 5-6 बच्चे हैं इसमें जो दबे हुए। राहत का काम देरी से हुआ? हाँ जी। कितना वक्त लगा शुरुआत करने में राहत के लिए? कम से कम 2-2.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया। 2 से 2.5 घंटा लगा, ये स्थानीय लोगों का आरोप है। हालांकि इनका ये भी दावा है कि 20 से 25 लोग इस मलबे में हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी भी इसकी नहीं है। लिहाजा प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, ताकि ये साफ हो पाए कि और कितने लोग इस मलबे में फंसे थे। कैमरा पर्सन जुलकर खान के साथ ब्रजेश तिवारी, न्यूज़18 इंडिया, गाजियाबाद। और ब्रजेश इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। ब्रजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से आपने बात की, गाजियाबाद की डीएम से बात की, लेकिन एक सवाल का जवाब जो उनके पास नहीं था, लेकिन लोगों ने वो सवाल जरूर उठाया है, 3 मंजिल की इजाजत है, बन रही थी 5 मंजिल, जवाब क्यों नहीं है किसी के पास? देखिए, इसी सवाल का जवाब हमने मांगने की कोशिश की,
हमें ये बताया गया कि एक घंटे पहले की घटना है, लिहाजा अभी वक्त लगेगा, कमेटी बनेगी, कमेटी अपनी जांच करेगी, जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन दोषी था, किस लेवल तक दोषी था, कहां कहां तक भ्रष्टाचार के जो पैर थे वो फैले थे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही फॉर्मल सा जवाब होता है जो हर बार जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं इस तरह का जवाब हम लोग को दे दिया जाता है और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि आखिरकार 10 से 15 दिन 20 दिन या फिर कब वो दिन आएगा जब जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में भी यही हमें बताया गया, लेकिन इसके बीच अगर आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरें देखें तो हम एक दूसरी इमारत पे खड़े हैं, ऊंचाई पे खड़े हैं और यहाँ से बखूबी इस पूरे इलाके के ज्योग्राफी को समझा जा सकता है। ये 5 फ्लोर की इमारत है, इस 5 फ्लोर की इमारत के टॉप फ्लोर पे इस वक्त जो है NDRF की टीम है और चारों तरफ अगर आप देखें तो हर तरफ यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई हैं। हालांकि जो ऑन रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड के मुताबिक यहां भी 2.5 से 3 मंजिल तक की इमारत बनाई जा सकती है। ये 5 फ्लोर की इमारत बनाई गई थी और जिस इमारत पे हम अभी खड़े हैं ये भी 4 से 5 फ्लोर की है और धड़ल्ले से इस तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो बाहर के बिल्डर हैं वो आते हैं, गाँव वालों से ज़मीन खरीदते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन बनाना करना शुरू कर देते हैं। प्रशासन कभी नहीं आता है देखने के लिए, प्रशासन को पता ही नहीं चलता। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिल्डिंग के चारों तरफ अगर आप पूरे सर्कल को देखें तो ठीक सामने अगर वहां आप देखेंगे तो पानी आपको हर तरफ यहां पे दिखाई देगा, बारिश का पानी हर तरफ यहां पे इकट्ठा है और इकट्ठा होने के नाते इमारतों की नींव में ये पानी जाता है और जाने के बाद इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि अब तक 8 लोगों को इस मलबे से निकाला जा चुका है, NDRF की टीम लगातार लगी हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है, जांच अब कराई जाएगी, जांच में कौन दोषी है, किस लेवल तक दोषी है ये बात की बात पता चलेगी। लेकिन अभी जो मजदूर यहां पे काम कर रहे थे वो पीड़ित हैं, वो इस वक्त मलबे के अंदर दबे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि उनको यहाँ से निकाला जाए। लेकिन यहाँ वाकई ये जानना दिलचस्प भी होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत, 5 मंजिले की इमारत यहाँ पर कैसे खड़ी हो गई। 1.5 से 2 साल पहले से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, NH-24 से महज 200 मीटर की दूरी पे इमारत है और कैसे इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। इसका जवाब तो ब्रजेश जब आप ले रहे थे ऋतु महेश्वरी से तो वहीं पर जवाब मिल गया था। अब ब्रजेश जरा 5 दिन पहले जरा पीछे जाइए, जिस वक्त आप उस जगह पर खड़े हुए थे शाहबरी इलाके में जहां हादसा हुआ था, तस्वीरें आपको एक जैसी लगेंगी क्योंकि हादसा दोनों जगह बिल्कुल एक ही वजह से एक ही तरीके का है। वहां पर भी आसपास कोई सीवर लाइन नहीं, पानी खड़ा हुआ था, पानी नींव में जाने की वजह से हादसा हुआ ये जानकारी मिल पा रही है। अवैध कंस्ट्रक्शन, घटिया मटेरियल, गंदा सरिया, घटिया सरिया, बिल्डर फ्लैट था, कोई नक्शा नहीं था, गांव की जमीन पर वो बिल्डिंग वो भी बनाई गई थी। और जवाब उसके बाद जो अधिकारी और नेता वहां पहुंचे थे उनका एक ही था कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ब्रजेश ये इसमें हमें शायद इंतजार करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि यहाँ पर जितने अधिकारी आएंगे वो शायद यही जवाब रखेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम सावेरी की अगर स्पेशली बात कर ले तो सावेरी में 17 तारीख की घटना है और दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, 15 दिन का वक्त उसमें दिया गया है, जांच की कराई जा रही है और इस बीच अथॉरिटी के अधिकारियों ने सावेरी में ही 35 ऐसी इमारतों को चिन्हित किया है जो कि अवैध हैं। एक तरफ अधिकारी ये कहते हैं कि पूरे सावेरी में जो कंस्ट्रक्शन किया गया हाईराइज बिल्डिंगों का वो पूरे अवैध है और 35 को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल उन 35 इमारतों को नोटिस भी जारी कर दिया गया, उन पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया, एक इमारत को 7 दिन के अंदर डिमोलिश करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि जब सावेरी जैसे इलाके में इतने बड़ा हादसा हुआ, 9 लोग की मौत हो गई उसमें, उसके बावजूद प्रशासन नहीं चेता और कागजी कार्रवाई के पे ही सिर्फ कहानियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पे भी कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर्स की बात करें, छोटे मोटे बिल्डर्स की बात करें, वो इलाका छोड़ के भाग चुके हैं और यहाँ भी गाज़ियाबाद की अगर हम जिस डासना इलाके में हम खड़े हैं यहाँ के भी कमोवेश हालात वैसे ही हैं। यहाँ भी जो घटना की स्थिति है वो साफ देख सकते हैं आप कि ईंटों में कितना घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं हम लोग मौके पे आते हैं, रिपोर्टिंग्स करते हैं और घटनास्थल पे पहुँचने के महज आधा एक घंटे के अंदर ही हमें स्थानीय लोगों से
जो लोकल पुलिस है, अपने सोर्सेज हैं, उनसे ये पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या लूपहोल थे। इलीगल ज़मीन थी क्या, कंस्ट्रक्शन इसका इलीगल था क्या, नक्शा इसका पास था या नहीं था। जब हम लोग आधे एक घंटे के अंदर ये पता कर सकते हैं तो आखिरकार अधिकारियों को ये बात कैसे नहीं पता चलती है। दफ्तरों में बैठे अधिकारी आखिरकार ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि डेढ़ से दो साल पहले, तीन साल पहले लगातार पांचवीं मंजिल, छठी मंजिल की इमारत खड़ी हो रही है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, मौके पे आने के लिए क्या उनके पास वक्त नहीं होता। ये इसलिए सवाल उठता है क्योंकि ये हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 8 लोग घायल हो चुके हैं, इस मलबे से 8 लोग निकाले जा चुके हैं, शाबेरी में 9 लोग की मौत हो चुकी है। ये जो तमाम ऐसे सवाल हैं वो इसलिए भी खड़े होते हैं कि आखिरकार अधिकारियों को क्यों नहीं पता चलता, जो उनके मातहत हैं, जो उनके जूनियर अधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, जो पटवारी हैं, जो जूनियर इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, आखिरकार वो क्यों नहीं पता कर पाते। क्या उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, वो चाह के नहीं ऐसा करना चाहते। अगर उनके जानकारी में इस तरह की चीज़ें हैं और फिर भी अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सवाल उठने लाजमी है कि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हालांकि भ्रष्टाचार में लिप्त होना ना होना ये सरकारी दस्तावेजों में जब अंकित होता है, जब जांच की रिपोर्ट में ये चीज़ें जब मेंशन होती है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो हालात हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हम देख पा रहे हैं, उससे साफ यही लगता है कि बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है, लोकल लेवल पर चूक हुई है, बिल्डर्स की तरफ से चूक हुई है, और उस चूक का खामियाजा जो स्थानीय जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, 2 जून की रोटी कमाने के लिए जो दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, वो इसमें शिकार हुए हैं, वो पिसे हैं, वो घायल हुए हैं। हालांकि इसके बाद जिस तरह से नोएडा के मामले की बात करें तो वहाँ यूपी सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया जो मृतक थे। यहाँ भी कुछ देर बाद हो सकता है मुआवजे का ऐलान कर दिया जाए जो घायल हैं उनके लिए। लेकिन सवाल घूम फिर के नवजोत वही आता है कि आखिरकार जिम्मेदारी कब तय की जाएगी, आखिरकार कब ये तय होगा कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन अगर पाया गया, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में अगर कोई संलिप्त पाया गया, या फिर जो यहाँ का जोनल अधिकारी है, जो भी यहाँ का है, उसकी जिम्मेदारी ये कब तय की जाएगी कि अगर उसके इलाके में इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ तो सबसे पहले उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि जब तक इस तरह का कोई सख्त निर्देश या सख्त कदम नहीं उठाएगा प्रशासन या यूपी सरकार, तब तक इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे। देखना यह है कि अब इस घटना के बाद यूपी सरकार कौन सा नया बयान जारी करती है, लेकिन अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और लोगों को यहाँ से निकाला जाए। पांच लोग इसमें दबे थे जिसमें एक बच्चा था, और सबको मिला के 5 लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन अभी भी आशंका है कि जो मलबा जिसके ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं, ये मलबा है, और इस मलबे के अंदर अभी भी आशंका है कि 4 से 5 लोग दबे हो सकते हैं। NDRF की टीम, अगर आप देखें तो NDRF की टीम मौके पे है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी की जा रही है। NDRF के जवान कुछ इमारत के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं। ये 5वां फ्लोर है ये जिस पे अभी भी हम खड़े हैं, ये 5वां फ्लोर है, और ये 5वां फ्लोर इस वक्त जमींदोज हो चुका है, और इसके अंदर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि NDRF के जवान अंदर दाखिल हों और ये कोशिश और ये पुख्ता कर पाए कि क्या कोई अंदर है या नहीं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों को यहाँ से निकाला गया है, उन लोगों ने ये बताया है कि 4 से 5 उनके साथी हैं जो अभी भी मिसिंग हैं। स्निफर्स डॉग्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो पुख्ता कर पाए कि क्या कोई जिंदगी इस इमारत, इस मलबे के अंदर दबी है या नहीं। ये अगर आप देखें तो इस वक्त स्निफर डॉग को भी अंदर ले जाया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या अंदर कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे घटिया मटेरियल की जहाँ तक बात की गई तो यहाँ के जो मलबे हैं, ईंटों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी कमज़ोर की इस इमारत को बनाया जा रहा था। जो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था वो बेहद ही घटिया क्वालिटी का था, और वही वजह थी कि इमारत निस्तनाबूद हो गई। आसपास अगर हम इसके बात करें, इमारत के आसपास के इलाके की बात करें, तो यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद पानी हर तरफ इकट्ठा हो चुका था, और उसी की वजह से हो सकता है कि नींव कमज़ोर हुई होगी और ये हादसा हुआ होगा। फिलहाल राहत बचाव का काम किया जा रहा है, जांच भी इस पर कराई जाएगी। जांच के बाद कौन दोषी होता है, कौन दोषी नहीं होता है, ये बात की बात है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी, शुरुआती जो हालात यहाँ पे अगर आप देखें, फिर से यहाँ पे ये लाइव डिटेक्टिंग मशीन है, इसके अंदर जो रॉड अगर आप देख रहे होंगे NDRF की टीम के पास, इसके अंदर कैमरा लगा है और इसके होल के अंदर ये डाल के देखा जा रहा है कि क्या कोई अंदर है या नहीं। ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पुख्ता ये कोशिश की जा रही है पता करने के लिए कि इस मलबे के अंदर क्या कोई हो सकता है। हालांकि आशंका अभी भी है कि 4 से 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन उसको
पुख्ता करने की कोशिश यहाँ पर पूरी की जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पे हैं। जिम्मेदारी इसके बाद किसकी तय होगी, कौन लापरवाह हो सकता है, किसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, वो बाद की बात है। लेकिन एक बार फिर जो शिकार हुआ है, जो घायल हुआ है, वो मजदूर है। ये फ्लैट बन रहा था, बिल्डर फ्लैट बन रहा था, यहाँ पर लोगों ने निवेश भी किया होगा, फ्लैट भी खरीदे होंगे, भुगतना अब उन लोगों को पड़ेगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ भी कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था। सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन, चेतक क्यों नहीं, आखिर क्यों प्रशासन ऐसे हादसों से पहले आंखें मूंदे रखता है और फिर जब ऐसा हादसा होता है तो फिर ग्राउंड जीरो पर और हादसे वाली जगह पर आकर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और सरकारें भी ये बयान देती नजर आती हैं कि जांच टीम बिठा दी गई है, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती, आखिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है, क्या इसमें तहसीलदार जिम्मेदार है, सर्कल ऑफिसर जिम्मेदार है, इंजीनियर जिम्मेदार है, जीडी अधिकारी जिम्मेदार है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर ये कहें कि सभी की मिलीभगत के बाद इस तरह के हादसे होते हैं। हमारे साथ ब्रजेश इस वक्त मौजूद है। ब्रजेश, सवाल तो तमाम उठ रहे हैं लेकिन जवाब इसका किसी के पास भी नहीं है। तो इमारत गिरने की वजह, बिना नक्शा पास कराए इमारत बन रही थी, ये एक सबसे बड़ी वजह। इमारत में घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ था, कमजोर सरिये का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इमारत के पास कई दिन से पानी जमा था, जो पानी धीरे धीरे नींव में जाता गया और नींव कमजोर हुई, जिसके बाद इमारत गिरी। जीडीए पर घूस लेकर अवैध इमारत बनवाने का आरोप है, बिल्डर भी बराबर का हिस्सेदार है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, किसी भी तरह का नक्शा पास नहीं कराया गया था, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इलाके में सिर्फ 3 मंजिला ही बनाने की इजाजत है, जबकि यहां पर बन रही थी 5 मंजिलें। क्या किसी ने नहीं देखा, और अगर देखा तो देखने के बाद आंखें क्यों बंद कर ली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इमारत में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया था, सवाल ये कि क्या क्वालिटी चेक होता है या नहीं। बन रही इमारत 5 मंजिला इमारत गिर गई, हादसा हुआ एक बड़ा गाजियाबाद के दासना इलाके में। यह हादसा हुआ है, इमारत के मलबे से 7 लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है और अभी तक खबर ये आ रही है कि बहुत से और लोग दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, अपने काम में जुटी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक आकाश नगर में बन रही इमारत में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, यह भी आरोप लग रहा है कि जीडीए ने घूस ली और फिर उसके बाद इस इमारत में अवैध निर्माण की इजाजत दी गई। सवाल तमाम है लेकिन जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। शाहबेरी इलाके से भी लोग उभरे भी नहीं थे कि गाजियाबाद में ये बड़ा हादसा। जो सवाल वही खड़े कर रहा है जो वहां पर खड़े हो रहे थे कि आखिर इस बड़े हादसे के पीछे वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। गेंद हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के पाले में डाल रहा है लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि 7 लोगों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया, एक बच्चा भी इसमें शामिल है। इमारत गिरी है और उसमें एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। और साथ ही साथ एनडीआरएफ के अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि अभी और लोग भी इसमें दबे हो सकते हैं। 3 मंजिला बनाने की इजाजत थी, 5 मंजिला बन रही थी और आसपास का जो पूरा इलाका था जहां पर ये इमारत बन रही थी वहां वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा थी कि कहा यह जा रहा है कि पानी क्योंकि नींव तक पहुंच गया था और उसी वजह से नींव कमजोर पड़ गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है, जो हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने वहां से हमें बताई है, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो या सरिया हो, बहुत ही घटिया तरीके का मटेरियल था जिसका इस्तेमाल वहां पर किया गया था। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके श्रीवास्तव से हमने बात की, उन्होंने बताया कि अभी मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, इसीलिए तलाश अभी जारी है। उनसे बात की हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है लेकिन एनडीआरएफ की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए ताकि अगर कोई अंदर फंसा हो तो उसको भी बाहर निकाला जाए। एनडीआरएफ के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी क्या सिचुएशन है, कितना अभी वक्त और लगेगा? देखिए, ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी की निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जिसमें निर्माण का कार्य चल रहा था और हमें करीब 3:15 बजे के आसपास सूचना मिली और तुरंत हमने तत्काल हमारी टीमें यहाँ पर आ गई हैं और हमारा सर्च एंड रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। अभी कितने लोग को निकाला है आपने? अभी तक 7 को निकाला है और हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, अनकॉन्शियस हालत में थे तो अभी जिंदा हैं, जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं वो हॉस्पिटल में जाके उन चेक होंगे। जो हमने निकाला था तो अनकॉन्शियस थे, एक कॉन्शियस था जो कि बात कर रहा था, बाकी अनकॉन्शियस था। अभी कितने लोग अंदर हो सकते हैं?
अभी 4-5 लोग और हो सकते हैं, जैसा कि सूचना हमको प्राप्त हुई है जो यहाँ पे लोकल्स ने बताया है कि सभी मजदूर थे और काम कर रहे थे यहाँ। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, अभी भी फिगर कुछ क्लियर नहीं है कि कितने लोग अंदर हो सकते हैं। मुश्किल ज़रूर आ रही है क्योंकि आसपास कीचड़ है, पानी है, दलदल है, और NDRF की कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे को निकाला जाए। अब तक हालांकि अब तक 7 लोग निकाले जा चुके हैं और 4 से 5 लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं। तो NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अभी तक ये बताएं कि हादसे में 7 लोगों को बाहर निकाला गया है। अभी खबर ये भी आ रही है कि 5 मजदूर और वहां पर दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। और ये भी बताएं कि इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से हो रहा था, ये खबरें भी आ रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर एक मंजिल पर कई फ्लोर्स बनाए जा रहे थे, जिसकी इजाजत नहीं थी। नियमों को ताक पर रखा गया। इसके अलावा जो मटेरियल और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल सबसे बड़ा ये भी है, और जो आसपास के लोग बता रहे हैं, खबर आ रही, बताएं कि कितनी सही है कि जो बिल्डर है उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी स्थानीय थाने में। देखिए, ये हालांकि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिन्होंने बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई हो, उन लोगों ने, हालांकि पुलिस उनके अब बयान दर्ज जरूर करेगी कि आखिरकार कब शिकायत कराई गई थी। इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट भी होगा कि आखिरकार क्या शिकायत थी और उसके बाद शिकायत के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई, ये इन्वेस्टिगेशन का एक तरह से पार्ट होगा। और इस बीच अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे क्योंकि आसपास पूरी तरह से पानी यहाँ पे भरा हुआ था, लिहाजा जो पोपलेन मशीनें हैं जिसका रेस्क्यू काम में इस्तेमाल किया जाता है, जो मलबे हटाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो उनको आगे तक पहुँचाने के लिए JCB मशीनों के ज़रिए इनके लिए रास्ता बनाया गया। और रास्ता बनाने के बाद अब जो पोपलेन मशीन है, जो काफ़ी हैवी मशीन कही जाती है, और इसको और इस तरह के जब भी हादसे होते हैं उस वक्त इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मलबे को भारी संख्या में, भारी तादाद में एक साथ यहां पर हटाया जा सके। और ये मशीन लगातार अब आगे बढ़ रही है। ये छत का ऊपरी हिस्सा है और ऊपरी हिस्से से इस वक्त जो है हमें जो मलबा है उसको हटाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब तक 7 लोग हैं जिनको यहां से निकाला जा चुका है। 4 से 5 लोगों की आशंका है जो इस वक्त इसके अंदर दबे हो सकते हैं, इस मलबे के अंदर। और ये मशीन लगातार रास्ता बना रही है, रास्ता बना रही है। साथ ही रास्ता बनाना इसलिए यहां पे भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद और भी मशीनें यहां पर आएंगी घटनास्थल पे, और उसके बाद जो छत का ऊपरी हिस्सा है उसको हटाया जाएगा। हालांकि NDRF की टीम के जवान छत के रास्ते इस घर के अंदर दाखिल हुए हैं। एक शख्स को अभी आइडेंटिफाई किया गया है, वो घायल है, अब से कुछ देर बाद उसे निकाला जाएगा। हालांकि उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है इस इमारत के अंदर ही, लेकिन अभी तफ्तीश की बातें, तमाम चीज़ें तफ्तीश के अंदर कंक्लूड होगी कि क्या किस शख्स ने बिल्डर के खिलाफ पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, क्या वो शिकायत थी और उसके बाद शिकायत का क्या नतीजा निकला। साथ ही ये कंस्ट्रक्शन करने में आखिरकार अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो पाई, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। लेकिन पहली यहाँ पर प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन की है। और आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, यहाँ पे जो मशीनें हैं, पोपलेन मशीन है, वो रास्ता बना रही है क्योंकि अभी भी NDRF की टीम के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जिससे रेस्क्यू में जल्दी आती है, तेज़ी आती है, वो अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। लिहाजा अब यहां पर इस मशीन के ज़रिए रास्ता बनाया जा रहा है ताकि गाड़ियां जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद रेस्क्यू को तेज़ी से किया जाए। हालाँकि जो NDRF की टीम के अधिकारी हैं उनका कहना है कि 24 घंटे और लग सकते हैं, देर रात तक ऑपरेशन चलेगा, कल का पूरा दिन लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और दिक्कत यहाँ पे बारिश को लेकर भी है, हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, इस वक्त बारिश बंद है, लिहाजा बारिश एक बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इन सब को देखते हुए फिलहाल कोशिश की जा रही है कि रास्ता बनाया जाए और अधिकारी और जो रिलीफ टीम को मौके पे जल्दी भेजा जाए। जी ब्रजेश, दो 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 बातें, दो सवाल जिनका जवाब जानना चाहेंगे। पहला सवाल ये
कि ये पूरा इलाका किस तरह का है, क्या यहाँ पर और भी इस तरीके की गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं। दूसरा सवाल ये कि जिस जगह पर, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ उसमें जाहिर सी बात है आप बता रहे कि मजदूर वहां पर काम कर रहे थे जो फंसे हो सकते हैं, कौन सी फ्लोर पे थे, कुछ और जानकारी दे पाएंगे? देखिए अभी जो स्थानीय लोगों ने, जो मजदूर जो साथी थे मजदूरों के, उन लोगों ने ही NDRF को और पुलिस को ये सूचना दी है कि वो तीसरी और चौथी मंजिल पे लोग हो सकते हैं, ये आशंका है। और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए ऊपरी फ्लोर, क्योंकि ये पांचवा फ्लोर है ठीक सामने, अगर आप देखें ये पांचवा फ्लोर है और पांचवें फ्लोर के ऊपर NDRF की टीम यहाँ पे मौजूद है और तीसरे और चौथे फ्लोर तक पहुँचने की पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आशंका है कि उसी फ्लोर पर लोग हो सकते हैं। जहाँ तक इलाके की अगर हम बात करें तो ये गांव का इलाका है, चारों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर इमारतें तो ज़रूर बनी हैं, दो मंजिला ढाई मंजिला जो इमारत है वो यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक इमारत मैं आपको और दिखाऊँ, जिस इमारत पर अभी हम लोग खड़े थे, जिस बिल्डिंग पे अभी हम खड़े थे वो ठीक इसके बगल में ही है, ये अगर आप देखें तो ये पाँच फ्लोर की इमारत है और इसी के ठीक सामने जो इमारत थी वो गिरी है, हादसा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, आस पास अगर आप चारों तरफ अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे चारों तरफ, तो हर तरफ जो है इमारतें ऊंची ऊंची इमारतें, ज़्यादातर इमारतें बेहद ही ऊंची है, चार से पाँच फ्लोर छः फ्लोर इमारतें बनाई गई हैं और सरकारी अधिकारी और जो GDA के मुताबिक यहाँ पर ढाई से तीन मंजिल का निर्माण हो सकता है, उससे ऊँचा इमारत नहीं बनाई जा सकती, नक्शा भी इसका पास नहीं था, ये तमाम चीज़ें जो लापरवाही इंडिकेट कर रही हैं उसको जांच में शामिल किया जाएगा। प्राथमिकता लेकिन अभी भी वही है, प्राथमिकता को लेकर मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि प्राथमिकता ये है कि NDRF की टीम के जो बाकी अधिकारी हैं वो रिलीफ टीम तेज़ी से काम करे, इसके लिए यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है ताकि अगर अंदर कुछ जिंदगियाँ फंसी हैं तो उनको बचाया जा सके। बिल्कुल, और ब्रजेश जब इस पर सवाल किए जाते हैं प्रशासन से तो फिर प्रशासन के पास जवाब इसका नहीं होता, जबकि अवैध तरीके से अगर कोई निर्माण वहां पर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कहां है स्थानीय पुलिस, कहां है प्रशासन, कहां है DM, किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। बिल्कुल, देखिए जवाब कभी नहीं होता इन चीज़ों का शुरुआती दौर में, हालांकि अब से कुछ देर पहले हमने जिलाधिकारी ऋतु महेश्वरी से बात की थी, उनका भी यही कहना था कि जांच कराई जाएगी और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। इस वक्त ये पूरा जब हादसा हुआ तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ लोग काफ़ी इकट्ठा हैं और लोगों से ही पूछते हैं, एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे जब ये कंस्ट्रक्शन होता है तो क्या कभी पुलिस प्रशासन GDA के अधिकारी आते हैं यहाँ पे? सर हमने तो नहीं देखा कभी ऐसा। आप लोगों ने कभी देखा? नहीं देखा। कभी कोई रोकने के लिए नहीं आता है? नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यहाँ पानी का निकासी नहीं है, सबसे पहले जब ये बिल्डिंग बनती है तो पानी का ऐसा देखा जाए, ये पानी का बरसात का कहाँ निकलना चाहिए? जाहिर सी बात है क्योंकि कॉलोनी जिस तरीके से बसाई जा रही है वो किसकी इजाजत से बसाई जा रही है, और अगर अवैध तरीके से वहां पर निर्माण हो रहा है तो वो किसकी निशानदेही पर ये पूरा काम किया जा रहा है, किसने इसमें फाइनल नोट दिया ताकि यहां पर बिल्डिंग बन सके, सवाल तमाम है, जवाब मिलना बहुत जरूरी है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।